ये प्याज के लिए पहले ऐसा कुछ करना पड़ता है। ये है भांगुल की चटनी, मैंने कल रात को बनाई थी और बहुत यम्मी हो रही थी। बुआ को नीचे ही अच्छा लगता है खाना खाने में, इसलिए नीचे ही खाते हैं, हम लोग टेबल में खाते हैं। फिलहाल हम चल रहे हैं महिला संगीत में, यही सामने हम नींबू लेकर आए हैं और यहाँ माल्टे वगैरह लेकर आए हैं। गाँव का नींबू बहुत अच्छा लगता है, नींबू साग के खाएंगे। शादी में शायद कैंसिल हो रहा है मुझे लग रहा है। सो रिद्धि छुपन छुपाई खेल रही है फूफा जी के साथ और फूफा जी कह रहे हैं मैं आऊँ। ऋत्विक एंड फैमिली। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल ऋत्विक एंड फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को इगास पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज इगास है और बच्चों की छुट्टी भी है, मतलब ये 2-3 साल से ही ज़्यादा हाईलाइट हुआ है ये वाला फेस्टिवल। मतलब पहले ऐसे हॉलीडेज़ वगैरह भी नहीं होती थी, तो आज छुट्टी है और बच्चे चले गए हैं मॉर्निंग में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए। और आदि ने ना स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहनी है, तो मैं जा रही हूँ उनको बुलाने के लिए क्योंकि अब 10 बज चुके हैं और इनको नहलाना भी है मैंने, तो मेरा तो सारा काम हो चुका है। और आज ना मैं सिर्फ 2 टाइम खाना बनाने वाली हूँ, मतलब नाश्ता एंड लंच को हम मर्ज कर रहे हैं। नाश्ता कम लंच अभी मॉर्निंग में करने वाले हैं हम, और फिर इवनिंग में हमें जाना है एक शादी में यहीं पड़ोस में, तो महिला संगीत में भी जाऊँगी मैं, तो वहाँ बाद में जाएंगे। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ इन बच्चों के पास क्योंकि वहाँ खेल रहे हैं, चलिए मेरे साथ। ऐसे आ रहा हूँ आज इतनी शक्ल क्या, और क्या ये स्वेटर की नहीं पहनी है हाँ, वो देखो सब बच्चे अच्छे बन रखे हैं। आराम से आराम से, यहाँ क्या हो रखा है ये? हैप्पी गास, हैप्पी गास। क्या कर रहे हो आज, क्या क्या बना रहे तुम? क्या है आज ना, मतलब क्या तुमने क्या बना रहे? सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा चावल। तो पहले से पूरी बना दी है, बनाई है झूठ बोलो तुम, तुम्हारी आज तुमने कल भी पूरी बनाई थी, आज भी बनाई बनाई और मैं बच्चों के लिए बनाई। मैंने आज तुम पूरी तुमने आज बनाई? हाँ, तुम्हारे पूया, ये खूब पूया खा रहे हैं बच्चों के लिए बनाई। आज पिकनिक गए ना वो, शिवम नहीं गया? और ज़्यादातर ये फेस्टिवल ना गढ़वाल में होता है, यहाँ कुछ होता नहीं है, ना कोई हमें बताने वाला है कि क्या क्या करते हैं इसमें, तो हमारा ऐसा नॉर्मल चल रहा है, बस बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो आदि, हाँ ज़ॉम्बी, ये ज़ॉम्बी बन रही, मम्मी डर रही है। चप्पल छोड़ गया, कोई बात नहीं, पहले स्वेटर पहन। ये गुलाब, गुलाब किस लिए गिरा रखे भैया आज? इगास की खुशी, इगास की खुशी में। अच्छा भैया ने दिया होगा, मैंने इनको कहा भुज आ रहे हैं, भुज भुज लेके आना करके, भुज नहीं है बल वहाँ पे, तुम अपने गांव से बोल रहे हो मैं लेके लेके आ जाएंगे। किसके लिए लेके? भैया को बोलो जाओ करके। कहाँ, घर के नाथन जाएंगे, रोड में बुला दो। किसको बुलाऊं रोड में? किसी को भी बुला दो, कोई ना कोई तो होगा तुम्हारा यार। मेरा बढ़िया करके होंगे, नहीं होंगे पता नहीं, मैंने फोन नहीं किया। दिल्ली हो गया, दिल्ली चले जाओ, दिल्ली हो गया यार, पानी के वहाँ हो गया। हाय, तो ये पहन लिया इसमें जाके। आरू की मम्मी लोगों ने लगा रखे हैं यहाँ पे प्याज, और इधर लगाए हैं आलू, मैं आपको दिखाती हूँ ठीक से। हाँ, तो ये प्याज के लिए पहले ऐसा कुछ करना पड़ता है, ऊपर से ये पाला ना गिरे करके, तो कुछ इस तरह से साड़ी वाड़ी का यूज़ किया जाता है ये डंडों की हेल्प से, लकड़ियों की हेल्प से, और इस तरह से लगाया है ये प्याज। खूब सारा प्याज होने वाला है यहाँ पे, मतलब यहाँ से फिर शिफ्ट करेंगे कहीं और। एंड यहाँ पे लगाए हैं इतने आलू, ये इतने में कितने आलू हो जाएंगे? 10 किलो हो जाएंगे आराम से, ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब एक पेड़ में कितने आलू निकलते हैं? एक पेड़ में 5-6 आलू। अच्छा, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इनके भी आलू। ओके, तो इनको आता है, कर लेते हैं। फिर प्याज व्याज का तो मन मेरा भी करता है, लेकिन पानी हमें मोटर चला के देना पड़ता है। तुम कैसे दे रहे हो पानी? राधा आंटी के यहाँ से। अच्छा, तुम्हारे पास तो अच्छा है, अब हम मोटर चला के अगर पानी दे दे के कर लेंगे, सोचा तो मैं सब्ज़ी ना खा लूँ बाजार से, हम है ही कितने और खाना ही कितना खाते हैं, इसलिए नहीं बोलती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे चल रही है इनकी, लेकिन तुम्हारे से अच्छे हमारे हो रखे हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ हमारे घर, ये यहाँ दे रहे हैं पानी, इनके यहाँ तो अच्छा है, फ्री में पानी आ रहा है, हमारे यहाँ नहीं आता, हमें ना मोटर चला के देना पड़ता है पानी। तो मैंने कुछ एक हरी सब्ज़ियाँ बो रखी है, मन कर रहा था प्याज व्याज बोने का, लेकिन प्याज में खूब पानी चाहिए होता है, तो इसलिए नहीं बो रहे। चलो आदि को लेके जाती हूँ घर, ये देखो ना यहाँ पे क्या चल रहा है, मस्ती, नहलाती हूँ उसको। सो फ्रेंड्स, आपने आरू के यहाँ की क्यारी देख लिया, मेरे यहाँ की क्यारी भी देख लो। तो यहाँ पे हरी सब्जियाँ हो रही हैं, अभी फ़िलहाल यहाँ पे मूली हो रखी है
और यहाँ पे धनिया अच्छा हो रहा है, और यहाँ पे मैंने आपने मिनी ब्लॉग में देखा होगा मेथी, तो ये मेथी बहुत जल्दी जम गई 2-3 दिन में ही। वाओ। और मैंने थोड़ा सा उस साइड को ना पालक बोए हैं, वहाँ पानी देना है अभी, और इस साइड मैंने मटर बोए हैं सब, अभी कुछ और मटर भी बीच बो रखे हैं मैंने, और उस साइड किनारे किनारे में हो रही है राई। सो ये छोटी सी मेरी बागवानी है जो हमने बोए थे, तो हम इस वैसे मूली के पत्ते वगैरह खाने में लगे हैं। धनिया तो रोज़ डालती हूँ, मुझे धनिया बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो, और मैंने कल चटनी भी बनाई है भांग की, भांगुल की, जो कि बहुत अच्छी होती है। अब हम जा रहे हैं अंदर खाना खाने, हमारा टाइम हो चुका है लंच करने का। चलो चले ट्रैक्टर। इस लड़के ने अपनी साइकिल 2 महीने में ट्रैक्टर बना दी है। सो फ्रेंड्स, हमारा राजमा चावल रेडी हो चुका है, और साथ में मैं ये खाने वाली हूँ, ये है भांगुल की चटनी, मैंने कल रात को बनाई थी और बहुत ही यम्मी हो रही थी। चलो, मुझे बहुत अच्छी लगती है चटनी, आजकल तो चटनियों का सीज़न आ चुका है, कभी भांगुल कभी तिल कभी किसी चीज़ की, तो ये खाने वाले हैं, और बाकी सब लोग बाहर खा रहे हैं, तो चलो हमारे साथ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ए खाना खाना इसको ले जा, ये पूछे अभी खाना खा रही थी, खाना चलो खाना। सो फ्रेंड्स, हम लोग खाना खा रहे हैं, डुग्गू आई है हमारे घर में, लेकिन डुग्गू खाना नहीं खा रही है, बुआ को नीचे ही अच्छा लगता है खाना खाने में, इसलिए नीचे ही खाते हैं, हम लोग टेबल में खाते हैं ये यहाँ पे खाना खाना चल रहा है, और हमारा दूध वाला आ चुका है, तो मुझे पहले दूध लेना पड़ेगा, उसके बाद खाना खाऊंगी, क्योंकि सब लोग खाना खा रहे हैं। चलो मैं दूध लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, हमने लंच वंच कर लिया, और आदि मिस्टर सो चुका है, और हमें जाना है महिला संगीत में, और आज रात को शादी भी है, इनके पापा भी आज आ रहे हैं, तो फिलहाल मैं रेडी होने जा रही हूँ, तो ये ग्रीन वाली साड़ी पहन रही हूँ मैं, और रिद्धिमा को लेकर जाने वाली हूँ, तो चलो रेडी होते जल्दी से। सो फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ रेडी, रिद्धि भी हो गई रेडी, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, आदि सोया हुआ है, बुआ भी घर में है, और इनके पापा भी पता नहीं कब तक आएंगे, तो फिलहाल हम चल रहे हैं महिला संगीत में, यहीं सामने हमारे सामने ही शादी है, चलो चलते हैं, और डुग्गू ने मेरी हेल्प करी वीडियो बनाने में, एक रील बनाई है इसने मेरी, चलो चलते हैं अब। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी थी महिला संगीत से वापस, और अभी ना शाम के 8:30 हो गया, मैं बना रही हूँ एक्चुअली खाना, क्योंकि हमारे घर में आए हैं फूफा जी, बच्चों के फूफा जी, जिया जी आए हैं हमारे, सबसे बड़ी दीदी है ना उनके हस्बैंड, तो दीदी तो नहीं है लेकिन जिया जी हैं, वो गांव गए थे, गांव से वापसी में आए हैं, अब वो कल जाएंगे या परसों जाएंगे लुधियाना, और यहाँ बच्चों के साथ वो खेल रहे हैं छुपन छुपाई, और आदि तो अपने घर में ही साइकिल लेकर आ चुका है, तो यहाँ पे ये है, यहाँ फूफा जी हैं, बच्चे हैं, और यहाँ मैच चल रहा है। सो रिद्धि छुपन छुपाई खेल रही है फूफा जी के साथ, और फूफा जी कह रहे हैं मैं आऊँ तो इनका गेम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हैं, और इनके पापा भी आ चुके हैं घर, और मैं आपको दिखाती हूँ हमारे गांव में, तो हमारे पुराने गांव में ना नींबू लेकर आए हैं, और यहाँ माल्टे वगैरह लेकर आए हैं, तो सर कल जूस बनाने वाली हूँ मैं मॉर्निंग में, और बाकी वही भट्टी दाल और अखरोट भी होते हैं हमारे गांव में, तो वो गांव से अखरोट भी लेकर आए हैं, जो कि तो जब मैं आप पुराने गाँव गई थी, मैंने आपको दिखाया भी था अखरोट का पेड़, तो वहाँ पर होते हैं अखरोट, तो ये अखरोट्स वगैरह भी वहीं से लेकर आए हैं ये, और बाकी वही दाल वगैरह भटकी छुड़का भटकी दाल वगैरह, तो वो सब भी बनाते रहेंगे बाद में, और काफ़ी अच्छा लगता है ना ये सब चीज़ें, बहुत अच्छी लगती है मुझे, नींबू गांव का नींबू बहुत अच्छा लगता है, नींबू साग के खाएंगे, आपको भी दिखाऊंगी, और सर्दियों के मौसम में धूप में बैठ के, एक बार ही मैंने बना रखा है उसका वीडियो, मिनी ब्लॉग बनाया वो भी डालूंगी मैं, हमने कुछ दिन पहले खाया था तो वो, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ अंडा करी बना रही हूँ मैं, तो ये मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और यहाँ पर ना हमारी क्यारी की जो सब्जी होगी ना हरी सब्जी, ये है राई, तो मैं राई के पत्ते बना रही हूँ, राई की सब्जी और अंडा करी, मतलब सूखी सब्जी भी और तरी वाली सब्जी भी, यहाँ पर मेरा ऐसा काम चल रहा है, ये ऑलमोस्ट हो गया है, और ये मसाला भी बन चुका है, मुझे इसमें ना पानी डालना है, तो चलो जल्दी से खाना बनाती हूँ, और यहाँ पर दीदी ने आटा वाटा भी सब बोल दिया है, और रोटी बनाती हूँ, फिर हम जाएंगे शादी में, मतलब शादी महिला संगीत में गई थी तो काफ़ी लेट हो गया था, और यहाँ देखो ना यहाँ पर छुपन छुपाई चल रहा है, इनका छुप रही है सबसे,
अच्छा आ तो यहाँ तो यहाँ रिद्धि बता रही है फूफा जी को कि मैं कहाँ छुपी। बागू आता है और हमें शादी में जाना है वहाँ पे जहाँ टेंट वेंट लगा हुआ है, गाना बजने वाला है। अच्छा तो क्या कह रही हो तुम? आदि तो अपनी गाड़ी घुमा रहा है इधर से उधर। अब राष्ट्रपति करने जाए थक गया रही है तू। और क्या कर रही है? पहले ही संभाल, चलो संभालो, जल्दी संभालो। तो चलो मैं खाना बनाती हूँ और फिर रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। फिर मैं जाऊँगी हस्बैंड जी के और आदि को लेकर। रिद्धि तो नहीं जाने वाली आज, अब शादी में इसका मन नहीं है आज जाने का। तो चलो जल्दी से बनाती हूँ, देर हो रही है, खाना चलने वाला है। तो यहाँ खाना पीना चल रहा है। पतिदेव जी थक चुके हैं, शादी में नहीं जा रहे। आदि खाना, और यहाँ सब्जी मंडी खोल दी है इसने यहाँ पे। तो हम खाना खाते हैं, मैं भी यही खाना खाती हूँ। शादी में शायद कैंसिल हो रहा है, मुझे लग रहा है। चलो सो फ्रेंड्स, मेरा डिनर भी हो रहा है और 9 बज चुके हैं। मुझे लगता बारात भी आ गए। हम लोग शादी में नहीं जा रहे क्योंकि ये थक चुके हैं और फिर हम अकेले तो जाएंगे नहीं। इस आजकल ना पता है बाघ भी आ रहा है, हमारे कॉलोनी में भी बाघ घूम रहे हैं, तो इसलिए शायद नहीं जा रहे हैं आज। तो मैं खाती हूँ खाना, अकेले तो जाने की हिम्मत नहीं है। और महिला संगीत में अटेंड करके आ चुकी हूँ, निमंत्रण वगैरह सब लिखा दिया था। चलो खाना खाते हैं, घर का खाना। सो फ्रेंड्स, हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है और आदि जिद कर रहा है कि मुझे फूफा जी के साथ सोना है और ये भागने की तैयारी कर रहा है। इसको मैं यहाँ पकड़ के ला रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे एंड करती हूँ ये वाला व्लॉग को। करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।